हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है कि आज एक हफ्ते के बाद दोस्तों आज जो है कि धूप निकला हुआ है। तो दोस्तों, हमने सोचा कि रैबिट को जल्दी से हम बाहर निकालते हैं ताकि दोस्तों उन्हें ठंडी से सुकून मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जल्दी से रैबिट को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, हम रैबिट को बाहर निकालने से पहले जो है कि हम यहाँ पे रैबिट को खाने के लिए कुछ मूली की पत्ती है दोस्तों रखे हुए हैं, आप दे सकते हैं। ये रहा दोस्तों मूली की पत्ती, ताकि दोस्तों हमारे रैबिट बाहर निकलेंगे तो मूली की पत्ती खाएँगे दोस्तों, इसलिए जो है कि हमने यहाँ पर मूली की पत्ती रख दी है। तो दोस्तों, हम चलते हैं, जल्दी से जो है कि रैबिट को बाहर निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज 7 दिनों पर यानी दोस्तों एक हफ्ते पर जो है कि आज थोड़ी धूप हुई है। तो चलते हैं, जल्दी से हम रैबिट को बाहर निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने रैबिट को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन दोस्तों जो है कि हमारे रैबिट इधर भाग कर आए हुए हैं इस रूम में, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम जल्दी इन्हें बाहर बुलाते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पर मूली की पत्ती रखिए, खा लो। तो दोस्तों जो है कि रैबिट हमारे बाहर आ चुके हैं, ये देखिए दोस्तों कितने मज़े से जो है कि मूली की पत्ती खा रहे। और दोस्तों, ये देखिए जो मोती है बहुत ही आराम से सोया हुआ है दोस्तों। आज जो है कि उसे भी एक हफ्ते पे जो है कि थोड़ी धूप हुई है दोस्तों, तो आज उसे भी सुकून मिला है दोस्तों, देख सकते हैं कितने आराम से सोया हुआ। और दोस्तों, ये देखिए हमारे रैबिट को भी आज बहुत ही सुकून मिला है ठंडी से दोस्तों। जो है कि एक हफ्ते के बाद जो है कि आज थोड़ी धूप हुई है दोस्तों, नहीं तो दोस्तों एक हफ्ते जो है कि थोड़ी सी भी धूप नहीं निकलती थी। हमारे रैबिट भी जो है कि ठंड से बहुत परेशान थे। और दोस्तों, ये देखिए आज जो है कि धूप निकली हुई है और हमारे रैबिट को बहुत सुकून मिल रहा है दोस्तों ठंडी से, देख सकते हैं कितने मज़े कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही मज़े से जो है कि मूली की पत्ती खा रहे हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं, ब्लैक वाले रैबिट को भी बाहर निकालते हैं ताकि दोस्तों उससे भी ठंड से सुकून मिले। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो इनका रूम है कितना जैसे दोस्तों लग रहा है कि इनके रूम में पानी डाला हुआ है, वैसे हुआ है ठंडी की वजह से दोस्तों। तो दोस्तों, हम जल्दी से हम ब्लैक वाले रैबिट को भी, चलो भाई तुम भी चलो बाहर, बहुत ठंडी लग रही थी, आज धूप हुआ है, चलो चलो तुम भी बाहर चलो। हम दोस्तों इसे यहाँ पर रख देती हूँ, और जो है कि कुछ मूली की पत्ती हम अपने ब्लैक वाले रैबिट को भी दे देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये भी इसे भी ठंड से जो है कि सुकून मिला है, देख सकते हैं आप। लो खा लो, लो लो मूली की पत्ती खा लो, मूली की पत्ती। देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़े से जो है कि मूली की पत्ती खाएंगे हमारे रैबिट दोस्तों। हम इसको ना कर दिए दोस्तों, देखिए जो है कि ये बार बार जो है कि धान खाने के लिए इस वाले रूम में चले आते हैं, ये देख सकते हैं आप। आ जाओ, आ जाओ, बाहर आओ, धूप निकली हुई है, आओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ रैबिट। देखिए दोस्तों, जो है कि बाहर आ गए और फिर से जो है कि मूली की पत्ती खा रहे लगे दोस्तों। जो है कि आज हम इनको खाने के लिए जो है कि मूली की पत्ती और गोभी का जो पत्ती है वो, और दोस्तों जो मटर का छिलका है, वही चीज़ें आज हम अपने रैबिट को खाने के लिए लाई हुई हूँ, और वही चीज़ें आज हम अपने रैबिट को खिलाएँगे दोस्तों। दोस्तों जो है कि पहले चलते हैं, जो है कि मेरे जो कबूतर है दोस्तों वो भी जो है कि इसी में अपने पंख फहरा रहे हैं, तो इन्हें भी हम पर्दे से बाहर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इन्हें भी आज सुकून मिलेगी ठंडी से, बहुत ही दोस्तों ठंडी पड़ रही थी और जो है कि धूप नहीं हो रही थी दोस्तों, आज धूप निकली हुई है, तो आज हमारे सभी जानवरों को ठंडी से सुकून मिलेगी, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, और मेरे जो कबूतर हैं वो भी मस्त हैं, देखिए। तो दोस्तों, आज जो है कि धूप हुई है, एकदम मस्त धूप हुई है दोस्तों। और दोस्तों, हमारे जो कबूतर हैं उनके बच्चे को भी हम देखते हैं कि उनका जो बच्चा है वो कैसा है दोस्तों। दोस्तों, अभी जो है कि हमारी जो कबूतरी है वो अभी बच्चे को लेकर डब्बे में बैठी हुई है, देख सकते हैं आप।
अभी बच्चे को लेकर डब्बे में बैठी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने कबूतर को कुछ खाने के लिए देते हैं ताकि वो बाहर आ सके और हम बच्चे को देख सके और आपको भी दिखला सके। तो दोस्तों हम जल्दी से जो है कि अपने कबूतर को दाने डालती हूँ। तो दोस्तों हमने कबूतर को जो है कि दाने दे चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों जो है कि हम कल अपने कबूतर को दाने में तिलहन दी हुई थी, तो दोस्तों आज सोचा कि हम इन्हें गेहूँ दे देती हूँ। देखिए दोस्तों हमारे दोनों जो कबूतर हैं बहुत ही मज़े से गेहूँ खा रहे हैं। अब दोस्तों हम इनके थोड़े से बच्चे को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों वो रहा बच्चा, बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों आज जो है कि 2 दिन का बच्चा हो गया है, देखिए बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। एक ही बच्चा है इस बार। तो दोस्तों अब हम अपने कबूतर को खाने देते हैं ताकि ये खाकर और अपने बच्चे को भी खिला सके। खा लो खा लो, हाँ खा लो। इस बार अपने बच्चे का अच्छे से केयर करना दोस्तों। उस बार जो है कि हमारे कबूतर ने 2 बच्चे अंडे से निकाली हुई थी, लेकिन दोस्तों दोनों बच्चे जो है कि मर चुके। लेकिन दोस्तों इस बार जो है कि फिर हमारी कबूतरी ने 1 बच्चे निकाली हुई है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कितना प्यारा और कितना क्यूट है दोस्तों वो बच्चा। और दोस्तों इतना क्यूट हमारे कबूतर है ही है, इनके बच्चे भी बहुत ही प्यारे होंगे दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए मेरे बच्चीस, क्या हुआ तुमको अभी दाने नहीं दी? रुको रुको तुमको भी दे रही हूँ, शोर मत मचाओ तुमको भी दाने दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों उसमें जो है कि झूला झूलते हैं हमारे बजीस, देखिए फिर जाएगी उसमें झूला झूलने, इस बार नहीं गई दोस्तों। तो दोस्तों जो है कि ये बार बार अपने बर्तन के पास आ रही है ताकि दोस्तों ये बताना चाहती है कि हमारे बर्तन में जो है कि दाना नहीं है। तो दोस्तों हम जल्दी से इसे भी दाना देती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपने बजीज को जो है कि दाने दे चुके। और दोस्तों देखिए हमारे बजीज बहुत मज़े से खा भी रहा है दोस्तों। ऐसे ही हमारे बजीज जो है कि इशारे करके दाने मांगते हैं। आपने देखा कि कैसे जो है कि हमारे बजीज दाने मांग रहे थे। और देखिए दोस्तों जो है कि बहुत मज़े से खा रहे हैं दोस्तों, इन्हें भी भूख लगी हुई थी। और ये देखिए हमारे कबूतर जो है कि कुछ दाने खा लिए हैं, अब जो है कि मस्ती कर रहे हैं दोस्तों। वो बाहर जो है कि पिंजरे में इधर उधर घूमेंगे। उसके बाद दोस्तों जो है कि एक जो कबूतर है वो बच्चे के पास चला जाएगा और एक जो कबूतर है दोस्तों वो डब्बे के ऊपर बैठ जाता है। अभी दोस्तों दोनों बाहर हैं, बच्चा अकेले जो है कि डब्बा में है। तो दोस्तों जो है कि कुछ देर तक इसी पिंजरे में घूमेंगे, उसके बाद जो है कि हमने आपको बताया कि एक कबूतर डब्बे में चला जाएगा। देखिए दोस्तों जो फीमेल कबूतरी थी वो डब्बे में चली गई और जो मेल कबूतर है अभी घूम रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बाहर और देखते हैं कि रैबिट कितने मज़े कर रहे हैं आज, क्योंकि दोस्तों आज जो है कि बहुत ज़्यादा दिनों के बाद धूप निकली हुई है। तो देखते हैं अपने रैबिट को क्या कर रहे हैं बाहर। तो दोस्तों देखिए रैबिट जो है कि बाहर घूम रहे हैं, बहुत ही मज़े कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जो है कि मूली की जो पत्ती है खा चुके हैं, तो हम जो है कि जो मटर के छिलके लाए हुए थे दोस्तों वो अपने रैबिट को खाने के लिए दे देती हूँ। दोस्तों इसमें जो है कि मटर के छिलके हैं और जो गोभी का डाटी है दोस्तों वो भी इसी में है। तो हम अपने रैबिट को खाने के लिए दे देती हूँ, आ जाओ। देखिए दोस्तों कितने मज़े से जो है कि हमारे रैबिट खा रहे हैं दोस्तों। आज जो है कि बहुत ज़्यादा दिनों के बाद धूप हुई है, इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों जो है कि बहुत ही काफ़ी ठंडी थी, आज धूप निकली हुई है, ये दोस्तों बहुत मज़े कर रहे हैं। और दोस्तों इनके बच्चे भी आज बहुत ही मज़े किए, हम आपको दिखला देती हूँ। देखिए फिलहाल अभी डब्बे में रखी हुई हूँ दोस्तों, हमने पहले इन्हीं को ही बाहर निकाली हुई थी और ये भी बहुत मज़े किए। उसके बाद दोस्तों हम डब्बे में बंद कर दी हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि सोना के जो बच्चे हैं वो देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखला देती हूँ। देखिए दोस्तों ये रहे सोना के बच्चे, गिर जाओगे गिर जाओगे। देखिए दोस्तों इसी में है, देखिए दोस्तों एक जो बच्चा है छलांग मार के नीचे आ गया। दोस्तों हम इसे अभी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आज जो है कि हमारे रैबिट को ठंडी से सुकून मिली है, आप देख सकते हैं जो है कि कितने मज़े कर रहे हैं इधर बाहर हमारे रैबिट।
देखिए दोस्तों बहुत मज़े कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही रही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।